13 दिन हो गया। 13 दिन? यस। अभी और कितने दिन तक? अभी 13 दिन बाकी है दिल्ली जाने का मेरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए। उधर बड़ा आदमी को मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज के समय में अगर आपको कहा जाए कि साइकिल से बाजार जाना है और वहाँ से सब्जी लेकर आना है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे कि साइकिल से नहीं जाऊंगा, ऑटो पकड़ लेता हूं या फिर बाइक से चला जाता हूं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि एक लड़का है जो आंध्र प्रदेश से दिल्ली जाता है और दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाता है, 26 दिन लगातार साइकिल चला के वो आंध्र प्रदेश से जम्मू कश्मीर पहुँचना चाहता है, 13 दिन साइकिल चला चुका है, धनबाद में वो लड़का था और उसकी मुलाकात जो है मेरे ही बड़े भाई हैं मयंक पांडे, उनसे होती है। उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो को मेरे पास भेजा। उस लड़के से उन्होंने बात किया है, बात करने के दौरान क्या कुछ कह रहा है वो लड़का सुनिए। तो साइकिल से आंध्रा टू दिल्ली जा रहा हूँ। आंध्रा से दिल्ली अभी कितना किलोमीटर तक आ गया? अभी तक 13 दिन हो गया। 13 दिन? यस। अभी और कितने दिन तक? अभी 13 दिन बाकी है। अच्छा, 26 दिन तुम्हारा टारगेट 26 दिन का था? यस यस। अच्छा, एंड दिल्ली जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये इतना दूर सफ़र करने का मतलब मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद दिल्ली जाने का मेरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए। उधर बड़ा आदमी को मिलने के लिए जा रहा हूँ। होगा तो होगा, मैं तो सब कुछ एंजॉय करके एंड वो पोल्यूशन लेस ट्रैवल के बारे में हो जा रहा हूँ। गो ग्रीन, गो साइकिल, गो इंडिया। तो सुना आपने, आंध्र प्रदेश का ये लड़का है और आंध्र प्रदेश से ये दिल्ली जाने वाला है और दिल्ली से जम्मू कश्मीर। 26 दिन की यात्रा है, 13 दिन की यात्रा जो है वो हो चुकी है और 13 दिन की यात्रा बाकी है। दिल्ली जाएगा, दिल्ली में जाकर लोगों से मिलेगा, नेताओं से मिलेगा और उनसे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेगा कि मेरे क्षेत्र में विकास कर दीजिए, और फिर दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाएगा। आप समझिए कि एक लड़का आंध्र प्रदेश से निकलता है, दिल्ली जाता है और दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाता है। इतना साइकिल चलाना संभव है क्या? अलग अलग ट्रेंड चल रहा है, कोई बाइक से लेह लद्दाख जाता है, कोई बाइक ट्रैवलिंग करता है। ट्रैवल करना लोगों का शौक होता है, कभी कभी कोई साइकिल से जाता है, ट्रैवलिंग करता है। लेकिन ये लड़का जो है ये आंध्र प्रदेश से निकला है, दिल्ली जाएगा और दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाएगा। 26 दिन की यात्रा है। धनबाद में इसकी मुलाकात हुई थी, जो मयंक पांडे हैं उनसे उनकी इसकी मुलाकात हुई थी और अपनी पूरी बात बता रहे हैं, आपने सुना। और इस लड़के की जो यात्रा है आंध्र प्रदेश से जब दिल्ली ये पहुँचेगी तो वो वहाँ नेताओं से मिलेगा, अपने क्षेत्र के सांसदों से मिलेगा और अपने क्षेत्र में विकास के लिए बात करेगा कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, उसका निवारण आप कर दीजिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।